कि मैंने कहा कि बहुत कॉमनली अब ये फीमेल्स में हो रहा है और बहुत ज्यादा धीरे धीरे करके जो है महिलाएं इससे ग्रसित भी हो रही हैं। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए आखिरकार गर्भाशय का कैंसर है क्या? देखिए, गर्भाशय को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जी होता है गर्भाशय का मुंह या सर्विक्स, जिसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। दूसरा गर्भाशय की बॉडी यानी यूट्रस का कैंसर। ये दो अलग अलग किस्म के कैंसर हैं जो गर्भाशय में पाए जाते हैं। जी तीसरा एक और कैंसर है जो इससे रिलेटेड है, वो है ओवरी कैंसर यानी अंडेदानी का कैंसर। लेकिन अंडेदानी के कैंसर के सिम्टम्स अलग होते हैं और नॉर्मली गर्भाशय के कैंसर यानी बच्चेदानी और बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के दोनों के उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। तो दो हम इनको अलग अलग हिस्सों में डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने सिम्टम्स की बात कही, तो क्योंकि बहुत सारे रिसर्च ये ऐसा कहती है, बहुत सारी जगह लोग सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि गर्भाशय का कैंसर के ऐसे खास सिम्टम्स आसानी से नजर आते नहीं है, क्या बात, वाकई ये बात सही है? जैसे मैंने बताया, गर्भाशय के कैंसर अलग अलग जगहों से होते हैं। जो अंडेदानी का कैंसर यानी ओवरी का कैंसर होता है, उसमें अक्सर ऐसे होता है कि शुरुआती स्टेज में कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई जी लक्षण नहीं होते। अधिकतर महिलाएं ये सोचती हैं हमारे को गैस हो रही है, पेट फूल रहा है, या खाने पीने में बदहजमी हो रही है। और यही प्रॉब्लम फिर धीरे 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 बढ़ती जाती है, एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है, तब पता लगता है कि नहीं, ये गैस की प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली में अंडेदानी का कैंसर बन चुका है। उसी के विपरीत जो बच्चेदानी का कैंसर है या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, जैसे हम यूट्रस या सर्विक्स का कैंसर कहें, जी वहां पे शुरुआती स्टेज में सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। पे मरीज को तकरीबन ब्लीडिंग होती है, महावारी के बीच में ब्लीडिंग होती है, या जो लेडीज जिनकी महावारी बंद हो गई है उनको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, महीने के बीच में ब्लीडिंग हो जाती है, कभी भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे केस में बच्चेदानी या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो सकता है। और डॉक्टर श्रुति, बहुत जरूरी ये है कि हम अपने दर्शकों से ये भी साझा करें कि अगर ऐसी उन्हें कभी महसूस, अपने शरीर में कुछ हरकतें महसूस हो रही हैं, तो किस एरिया में ये ज्यादा इफेक्ट करेगा, या जो पेन होगा वो कैसे, अगर हम, आपने कहा कि बहुत सारी महिलाएं सोचती है बदहजमी है या सिर्फ गैस का पेन है, तो क्या इसके पेन में कुछ अलग बदलाव देखा जाता है या कुछ अलग पेन किस्म का होता है जब आपको महसूस ऐसा हो तो? नॉर्मली शुरुआती स्टेज में इतना पेन नहीं होता है, लेकिन जब बीमारी की स्टेज बढ़ जाती है, एडवांस स्टेज हो जाती है। नॉर्मली हम कैंसर को चार स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। जी जब एडवांस स्टेज यानी स्टेज 3 या स्टेज 4 में बीमारी पहुंच जाती है, तो अक्सर होता है कि महिलाओं का दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द नॉर्मली लोअर अब्डोमेन जिसे कहते हैं हम, नीचे की तरफ पेन रहता है, जी लेकिन जब बीमारी ऊपर की तरफ आ जाती है तो दर्द ऊपर पूरे पेट में भी हो सकता है। हमारे जितने दर्शक हमें देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, अगर आपकी कोई भी ऐसी समस्या आपको लग रही है इससे मिलती जुलती, या आपके मन में कोई सवाल है, कुछ जवाब आप जानना चाह रहे हैं, किसी बीमारी का समाधान आप जानना चाह रहे हैं, खासतौर पर गर्भाशय के कैंसर से जुड़ी हुई, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं आपके लिए। कोई भी सवाल किसी भी महिला के मन में आ रहा है तो वो हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर श्रुति भाटिया हैं स्टूडियो में, वो जवाब देंगे आपके तमाम सवालों के। और मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, सिम्टम्स आपने बात की, किस एज ग्रुप की महिलाओं में ये ज्यादा देखने को मिलता है? नॉर्मली ये सारे कैंसर, यूट्रस का, सर्विक्स का यानी बच्चेदानी, अंडेदानी का कैंसर तकरीबन 40 साल की उम्र के बाद ज्यादा देखे जाते हैं। जी एवरेज इंडिया में जो देखा गया है कि कैंसर की इंसिडेंस 40 से 60 साल की उम्र में सबसे ज्यादा होती है। यही बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी हो सकता है। जो बच्चेदानी यूट्रस का कैंसर होता है नॉर्मल वो 50 साल की उम्र के बाद होता है, और ओवरी अंडेदानी का कैंसर 50 साल से 70 साल की उम्र के बीच में पाया जा रहा है। तो ये उम्र है जो महिलाएं ज्यादातर इसके पेशेंट्स होती हैं या जो डॉक्टर्स के पास पहुंच रही हैं। अब सवाल आपके मन में ये होगा कि कैसे पता करें कि कैंसर है? आपको बेहद जरूरी है कि अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन डायग्नोस का क्या तरीका होता है, डिटेक्शन कैसे होगा, क्या लंबा प्रोसेस है? क्योंकि कैंसर जब हम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक खौफ उत्पन्न हो जाता है, एक डर लगने लगता है, लेकिन गर्भाशय का कैंसर जितना ये हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, जितनी ये गंभीरता है इस बीमारी की, ऐसा नहीं है कि इससे बचा नहीं जा सकता, बचना बहुत जरूरी है। और फिर साथ साथ आपको क्या कदम उठाने हैं वो भी बहुत जरूरी है, उन पर भी हम बात करेंगे। तो मैम, जैसे मैंने कहा, बचाव क्या हो सकते हैं इसके लिए, अगर किसी महिला को ऐसा महसूस हो रहा है या उसे अपने शरीर में कुछ ऐसे बदलाव दिख रहे हैं, तो उसे क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? देखिए, बचाव एक प्राइमरी स्टेज पर होता है कि बीमारी होने ही ना दे हम, दूसरा है कि बीमारी को जल्दी पकड़ ले, तीसरा यह है कि उसका टाइम से हम सही इलाज करा ले।
अब बीमारी ना होने दे, इसके हमारे पास बहुत से उपाय हैं जी। सबसे पहले अभी हमारे पास भारत में एक इंजेक्शन वैक्सीन लॉन्च हुई है, कुछ साल हो गए हैं, जो यंग लड़कियां छोटी लड़कियों को लगाई जा सकती है। लड़कियां ये इंजेक्शन अगर लगवा ले तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यानी सर्विक्स के कैंसर से बचा जा सकता है। ये वैक्सीन 95% इफेक्टिव है कैंसर को रोकने में जी। तो मैं ये सब महिलाओं को, सब लड़कियों को ये सलाह दूंगी कि सब लड़कियां जरूर अब ये इंजेक्शन लगवाएं। कोई भी पेडियाट्रिशियन या कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट ये इंजेक्शन आसानी से लगा सकते हैं, नॉर्मल इंजेक्शन है, लगा जा सकता है। एक दर्शक है मुस्कान हमारे साथ जुड़ी है, बताइए मुस्कान जी। ओवरी में जो बच्चे का जो अंडा होता है उसमें ना सिस्ट, तो क्या मैं जान सकती हूँ उसमें बच्चा हो सकता है यानी जी। मुस्कान जी ऐसा है, हर ओवरी का सिस्ट चिंताजनक नहीं होता। काफी बार ओवरी में सिंपल सिस्ट होते हैं या फंक्शनल सिस्ट कहते हैं उनको, जो अपने आप हर महीने में बनते हैं और धीरे धीरे खुद ही डिसॉल्व भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ सिस्ट ऐसे होते हैं जो अंदर नॉर्मल होते हैं, जैसे चॉकलेट सिस्ट का नाम सुना होगा आपने, या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, या कुछ कैंसर की वजह से भी सिस्ट होते हैं। इसलिए हर सिस्ट की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है, पर हाँ अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो सिस्ट के बारे में और टेस्ट जरूर कराने पड़ेंगे। हो सकता है आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन आपको एडवाइस करें, उन टेस्ट से पता लग जाएगा ये सिंपल सिस्ट है तो प्रेगनेंसी हो सकती है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओके जी। और अगर हम इसका दवाई से ठीक हो सकता है? ये दोबारा डिपेंड करता है कि सिस्ट का साइज कितना है। अगर सिस्ट का साइज छोटा है तो नॉर्मली सिंपल दवाई से ये सिस्ट अपने आप घुल जाता है। लेकिन हाँ, अगर सिस्ट का साइज बड़ा है या उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने बताया कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, तो इसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है जी। और हम कौन सी दवाई ले सकते हैं इसमें? ये तो डायग्नोस करने के बाद ही पता लगेगा, ऐसे बताना मुश्किल है दवाई कौन सी आप ले पाएंगे। उसमें सिंपल, जैसे मैंने बताया, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ये सब टेस्ट की रिपोर्ट्स देख के उसके बाद ही दवाई डिसाइड करी जा सकती है। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है, 5.6। हाँ जी, 5.6 साइज होगा ना उसका जी। हाँ जी, उसके हाँ, देखिए 5 साइज तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर और बहुत सारी चीजें होती हैं सिस्ट की देखने के लिए, कि सिस्ट के अंदर फ्लूइड कैसा है, सिस्ट के अंदर उसकी वॉल कैसी है, थिकनेस कैसी है, तो वो सारे टेस्ट रिपोर्ट्स देख के और आपका आपसे मिलने के बाद ही दवाई बताई जा सकती है। ऐसे दवाई बताना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, चलिए मुस्कान, शुक्रिया। क्योंकि डॉक्टर से बिना मिले और बिना जांच के ऐसे कोई भी दवाई आपको यहाँ बैठकर हम बता नहीं सकते, डॉक्टर भाटिया भी नहीं बता सकते यहाँ की, और ये आपके स्वास्थ्य के लिए सही भी नहीं होगा। क्योंकि मैम बहुत सारी ऐसी फीमेल्स भी होंगी, क्योंकि हिंदुस्तान में जागरूकता की थोड़ी कमी कभी कभी लगती है। जब बीमारी बहुत ज्यादा बड़ा विकराल रूप ले लेती है तब हमें लगता है कि अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। गर्भाशय की अगर कैंसर की अगर बात करें तो क्या इसमें भी ऐसा होता है कि देरी की वजह से ये ज्यादा जो है जोखिम में डाल देता है जान को? बिल्कुल सही कहा आपने, हम कहने को दिल्ली शहर में बैठे हैं लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे महिलाएं इतनी जागरूक नहीं है। हमने कल ही देखा एक दिल्ली में रहने वाली पढ़ी लिखी महिला स्टेज 4 में हमारे पास पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि जागरूकता की कमी है। हमारी महिलाएं अपने आप को, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देती हैं। थोड़ी बहुत कुछ ब्लीडिंग हुई, अब नॉर्मल ब्लीडिंग हुई, डॉक्टर को जाके नहीं दिखाया, सोचा ये तो नॉर्मल हिस्सा का, लेकिन कभी कुछ भी अब नॉर्मल ब्लीडिंग हो, कोई भी चीज नॉर्मल पैटर्न से हटके हो, आपको इमिजिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सारी ब्लीडिंग कैंसर की वजह से नहीं होती है, लेकिन जब भी कोई ब्लीडिंग हो, अब नॉर्मल ब्लीडिंग हो, वो कैंसर का पहला लक्षण हो सकती है। इसीलिए हमारे को टाइम से डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए और डॉक्टर देख के हमारे को बता सकता है कि ये कोई बीमारी कैंसर की तरफ जा रही है या ये नॉर्मल इन्फेक्शन का पार्ट है, तो उस केस में हम बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं। एक दर्शक है होशियारपुर से, शबनम जुड़ी है हमारे साथ, बताइए शबनम जी। मैम मैंने पूछना था कि जैसे डेट हर महीने आ जाती है लेकिन ब्लीडिंग बहुत कम होती है, इसके बारे में पूछना है। देखिए शबनम जी, ऐसा है कि ब्लीडिंग कम होना नॉर्मली कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं होती है। काफी लेडीज का पैटर्न ऐसे होता है। आपकी उम्र कितनी होगी जी? मेरी उम्र होगी 32। नॉर्मली देखिए ऐसा है कि इस एज में कई बार हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम हो जाती है। कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं डॉक्टर आपके कराएंगे, जैसे हार्मोन लेवल टेस्ट होते हैं, कई बार डिफरेंट हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से ब्लीडिंग कम हो जाती है,
पर कम ब्लीडिंग होना नॉर्मली कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। मैम कैसे आगे अगर हमने चांस देखना हो चांस तो फिर इसके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? देखिए अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं तो इवन कम ब्लीडिंग से आगे प्रेगनेंसी होने में, जैसे मैंने बताया अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है तो आगे प्रेगनेंसी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है मैम, चलिए शुक्रिया शबनम जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर भाटिया ने जो बताया वो आपके काम आएगा और आप उसे जरूर अपने जहन में रखेंगी, गौर करेंगी। मैम आप वैक्सीनेशन की बात कर रही थी और आप बता रही थी कि ये बहुत अब बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है और लड़कियां चाहे तो उसे जाकर डॉक्टर से सलाह लेकर उसे ले सकती है, वैक्सीनेशन ले सकती है। मैं जानना चाह रही हूँ कि वैक्सीनेशन किस तरह की वैक्सीनेशन है और इससे क्या कुछ लाभ आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा? देखिए ऐसा है, ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है जो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, उसे कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एक वायरस होता है जो इन्फेक्शन अगर उससे हो जाए तो लेडीज को आगे जाके कैंसर होने के रिस्क हो जाता है। नॉर्मली ये वायरल इन्फेक्शन हमारी लाइफ के शुरुआती स्टेज में ज्यादा होता है जब सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, जब लेडीज लड़कियों की शादी होती है, सेक्सुअली वो एक्टिव होते हैं तो ये वायरल इन्फेक्शन होने का रिस्क हो जाता है जी। अगर ये इंजेक्शन हम ये सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने से पहले लगवा लें तो इस वायरस से बचा जा सकता है। ये वैक्सीन 95-98% इफेक्टिव है कैंसर को रोकने में जी। क्या एज सही रहेगी इसके लिए भी मैं बात करूंगी मैम। पार्वती एक दर्शक जुड़ी हैं दिल्ली से, इनसे हम बात करते हैं। बताइए पार्वती जी। मैडम मेरे को कैंसर नहीं है, मेरे बच्चे नहीं होते हैं, 10 साल हो गया शादी में, इसलिए मैं देख रही थी इसमें दिखा रहे थे ना बच्चे होने का भी जी। देखिए पार्वती जी ऐसा है, बच्चे ना होने के तो 1000 रीजन होते हैं, वो अभी इस स्टेज पे तो ऐसे बताना मुश्किल है। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर को दिखा के सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे, आपके आपके हस्बैंड के सारे टेस्ट होंगे, उससे उसे ही पता लग सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। पार्वती जी आपको उम्मीद करती हूँ डॉक्टर भाटिया ने जो बात कही आपने उसे सुना होगा, हालांकि इनकी टीवी सेट की वॉल्यूम बहुत ज्यादा थी। उम्मीद करते हैं तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं जब भी वो हमें कॉल करें तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम आप कम रखिए, क्योंकि हम आपसे सही तरीके से बात आपकी सुन नहीं पाते जब आपकी टीवी सेट की वॉल्यूम ज्यादा होती है। एज की बात कर रही थी मैम वैक्सीनेशन। देखिए ऐसा है, नॉर्मली छोटे बच्चों को 9-10 साल की उम्र से हम लड़कियों को इंजेक्शन लगा सकते हैं, 3 इंजेक्शन का डोज होता है, 6 महीने के अंतराल के अंदर 3 इंजेक्शन लगते हैं। 14 साल से कम की लड़की को 2 इंजेक्शन, 14 साल की उम्र के बाद 3 इंजेक्शन लगते हैं। हाथ में यहाँ पे नॉर्मल इंजेक्शन लगता है, अभी तो बहुत कंट्रीज में इवन हमारे यहाँ कंट्री में ये इंजेक्शन नॉर्मल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है, तो उससे सब बच्चों को फ्री में सरकार इंजेक्शन लगवाएगी। अभी फिलहाल ये डिस्कशन है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन बहुत कंट्रीज में इंडिया से बाहर ये रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है और इस इंजेक्शन से लगा के जैसे मैंने बताया 98% प्रोटेक्शन हो सकती है बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से। एक दर्शक है हमारे से सुरेश ग्रोवर पंजाब से जुड़े हैं, बताइए सुरेश जी। मैडम मैं आपसे बात करना चाहता था, मेरे मिसेज का करीब 1 साल पहले यूट्रस रिमूव किया है। हाँ जी, तो मैं चाहता हूँ पूछना चाहता था कि क्या इस टाइम भी उसको यूट्रस की कैंसर का इस भावना होती है? देखिए ऐसा है जी, जो उनका यूट्रस निकाला गया उसके क्या वजह थी, क्यों निकाला गया? उसमें सिस्ट थी। अच्छा, सिस्ट के काफी बाद आया 2-3 साल, उसके बाद उन्होंने यही सजेस्ट किया कि इसकी यूट्रस रिमूव करा दी जाए। देखिए जी ऐसा है कि यूट्रस अगर पूरा निकाला है, यानी यूट्रस सर्विक्स और दोनों अंडेदानी ओवरीज अगर ये सारा कुछ निकला है तो नॉर्मली कैंसर होने का कोई चांस नहीं होता है। हाँ, अगर कोई जैसे यूट्रस और सर्विक्स निकाला लेकिन ओवरी छोड़ दी, या यूट्रस निकाला सर्विक्स छोड़ दिया है, तो अगर कोई पार्ट छोड़ा गया है तो उसमें कैंसर होने का चांस रहता है। अगर पूरा निकाल दिया गया है तो उसमें कैंसर की कोई संभावना नहीं है। इसका परहेज क्या होगा फिर? नहीं, वो तो आप आपके रिपोर्ट से देख के पता लगेगा, जहाँ जिस डॉक्टर ने आपकी सर्जरी करी है आप उनसे बात कर सकते हैं, वो बता नहीं है उनको। हाँ जी, रिलीफ नहीं है, जैसे पहले एक्सेस ब्लीडिंग वगैरह होती थी। हाँ जी, थी, वो नहीं है। तो अभी उनको महावारी आती है, बंद हो गई है? बिल्कुल बंद है। हाँ, तो इसका काफी चांस है, इसका मतलब उन्होंने यूट्रस सर्विक्स पूरा निकाल दिया गया है,
अंडेदानी का भी आप अपने डॉक्टर से पता कर लें, अगर वो भी निकल गई है तो फिर ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, उनको फिर आगे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी जी डॉक्टर भाटिया, एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि हम अपने दर्शकों से जब इतनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं, तो जो युवतियां जिनकी शादी करीब है या जो जिनकी शादी लगभग होने वाली है, उनके मन में सवाल होगा कि वैक्सीनेशन केस तो आपने बताया कि 14 साल 15 साल, उनके लिए क्या उपाय है फिर? वो भी ये लगवा सकती है, जैसे बताया हम 9-10 साल की उम्र से शुरू करते हैं वैक्सीनेशन, लेकिन जो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है वो भी इंजेक्शन लगवा सकती है, उनको 3 डोजेस लगेंगी, 14 साल की उम्र से पहले 2 डोजेस, उसके बाद ये 3 डोजेस लगती हैं, 3 डोजेस लगवा के पूरा प्रोटेक्शन किया जा सकता है। इवन वो लेडीज जिनकी शादी हो चुकी है वो भी चाहे तो ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, वैक्सीन का उनको उतना बेनिफिट नहीं होगा पर हाँ कुछ बेनिफिट डेफिनेटली होगा। साथ ही साथ उनके लिए एक सिंपल टेस्ट होता है पैप्समेयर, आप लोगों ने सुना होगा, ये बच्चेदानी के मुंह से पानी की जांच ली जाती है, जो जिस वैक्सीन से जिस इंजेक्शन से हम ये वायरस को प्रिवेंट करना चाहते हैं जी। ये टेस्ट उसी चीज का टेस्ट है और उससे पता लग जाता है कि ये बीमारी ऑलरेडी उनको हो चुकी है कि नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर भाटिया बता रही हैं, उम्मीद करती हूँ आप भी सुन रहे हैं हमें गौर से और समझ भी रहे हैं। दिल्ली से एक दर्शक है राज हमारे साथ, हम इनसे पहले बात करेंगे। बताइए राज जी, राज आप हमारे साथ जुड़े हैं? जी मैम बिल्कुल जुड़ा हूँ जी, बताइए सवाल पूछिए। दिल्ली से मैम मेरी सासू माँ माँ के बारे में पूछना है। हाँ जी बताएं। ये मेरी सासू माँ के बारे में ये पूछना है, उनके गाय में बच्चे उनके उनके सासू मेरी सासू माँ है, उनके बच्चे दानी में परेशानी है, डॉक्टर सूजन करते सूजन में मतलब वो सिकाई के लिए बोलते हैं डॉक्टर साहब, तो सिकाई हो जाती है तो आराम पड़ जाता है, वैसे कुछ पता नहीं रहता। छत्तीसगढ़ में मेरी सासू माँ जी। देखिए जी ऐसा है कि आपकी सासू कैंसर है, कैंसर। हाँ जी कैंसर। हाँ तो कौन सा कहाँ का कैंसर है? बच्चेदानी का कैंसर बताया उनको? जी जी सर जी मैम बच्चेदानी में कैंसर है। बच्चेदानी का कैंसर है। देखिए ऐसा है, अगर बच्चेदानी का कैंसर होता है तो बच्चेदानी के कैंसर के ट्रीटमेंट में 3 चीजों का भाग होता है, एक होता है ऑपरेशन, दूसरा होता है सिकाई यानी रेडिएशन थेरेपी, तीसरा होता है कीमोथेरेपी। तो मैं, आप मैम सिकाई तो हो रही है लेकिन अच्छा, मैं इसका प्रयोग उनकी सिकाई चल रही है, रेडिएशन चल रहा है उनका? हाँ सिकाई चल रही है लेकिन प्रॉपर इलाज हो सकता है मैम, बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए ऐसा है कि वो बीमारी की स्टेज देख के डिसाइड होता है कि बीमारी का बेस्ट इलाज क्या है। शुरुआती स्टेज में हम ऑपरेशन करते हैं, स्टेज अगर थोड़ी सी बढ़ जाती है तो रेडिएशन थेरेपी होता है। अगर आपके माताजी का सासू माँ का रेडिएशन थेरेपी सिकाई चल रहा है तो काफी चांस है कि थोड़ी सी बीमारी ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी उससे इलाज होने का पूरा चांस है। रेडिएशन अगर ठीक से करी जाए और पूरी की जाए, इसमें नॉर्मली सिटिंग्स होती हैं जो 1 से 1.5 महीना चलती हैं, आप सारी सिकाई करवाइए, कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाइए, उससे ठीक होने का चांस काफी ज्यादा है। जी चलिए राज जी, उम्मीद करती हूँ डॉक्टर भाटिया की बात को आपने गंभीरता से सुना होगा। मैम एक जगह मैंने पढ़ा था, मैं आपसे शेयर भी करती हूँ कि इसके गर्भाशय के कैंसर होने के पीछे हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत मैटर करता है, हमारा खान पान भी बहुत मैटर करता है, और खासतौर पर क्योंकि बीइंग अ फीमेल आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है परिवार के साथ साथ, वो हम नहीं रख पाते, ज्यादातर केसेस ऐसे भी सामने आए हैं, क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। देखिए लाइफस्टाइल हमारे लिए सिर्फ गर्भाशय का कैंसर नहीं, हर कैंसर की जड़ है जी। जो हम खाना खाते हैं, हमारा रहना, हमारा तरीका, वो हमारी लाइफस्टाइल सिर्फ हार्ट सिर्फ कैंसर ही नहीं और बहुत सारी बीमारियां जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइफस्टाइल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा हमारे शरीर में जितने भी कैंसर है उन सभी कैंसरों में एक कॉमन फैक्टर है, चाहे अंडेदानी या बच्चेदानी का कैंसर हो या लेडीज में ब्रेस्ट का कैंसर हो, इन सब कैंसर में मोटापा एक मेजर रीजन होता है। इसके अलावा टोबैको यानी सिगरेट, बीड़ी, ये हमारी लाइफस्टाइल के एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो दोबारा जो हमारे अंदर कैंसर का कारण हो सकते हैं। थैंकफुली इंडिया में लेडीज अभी इतना स्मोक नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी गांवों में देखा है कि बीड़ी का काफी सेवन होता है। इवन अब हमारे शहरों में लड़कियां काफी सिगरेट का सेवन शुरू कर दिया है। मैं सबको यही सलाह दूंगी कि सिगरेट, टोबैको, किसी भी फॉर्म में अगर हम टोबैको लेते हैं तो वो हमारे अंदर कैंसर उत्पन्न करने का इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है।
दूसरा जैसा मैंने बताया कि लाइफस्टाइल तो है ही मोटापा, दूसरा ज्यादा फैटी फूड खाना, ये अगेन हमारे अंदर शरीर के अंदर कैंसर के कारण हो सकता है। तीसरा एक्सरसाइज ना करना, महिलाएं अपने घर में अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतना बिजी रहती हैं कि एक्सरसाइज नहीं करती हैं, अपनी सेहत का ध्यान नहीं देती हैं, इन सब चीजों की वजह से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। वर्किंग लड़कियां हैं, बाहर जाती हैं अपने ऑफिस आवर्स के बाद, घर पहुंचना वही एक ऐसी जिम्मेदारी हो जाता है, अपने लिए ही वक्त नहीं निकाल पाती, तो ऐसी महिलाएं अगर सावधानी के तौर पर कुछ कदम उठाना चाहे तो मैम वो क्या हो सकते हैं? देखिए सिंपल सिंपल चीजें हैं, हम अपने डाइट में ध्यान रखें, मीठा कम लें, शुगर एक ऐसी चीज है जो डायबिटीज नहीं मोटापे का भी कारण है और आगे जाके कैंसर का रिस्क हो सकता है, इसलिए सिंपल चीजें हैं जैसे डाइट में हम आर्टिफिशियल शुगर्स या शुगर्स का सेवन कम रखें, जितना ज्यादा हो सके लिफ्ट ना लें, सीढ़ियां लें, सिंपल सिंपल चीजें, वॉक ज्यादा करें, बाकी जब वीकेंड पे या संडे को जब छुट्टी मिले तब थोड़ा बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज या योगा वॉक, सिंपल चीजें करके डे टू डे बेसिस के ऊपर अपना हम अपने लाइफ को एक्टिव रखें जिससे हम कैंसर से बच सकते हैं। और घरेलू महिलाएं तो अक्सर ये कहती हमने सुनी है कि वो कहती है कि हमारे पास तो घर का काम ही इतना है, हमारे पास कहाँ फुर्सत है कि हम एक्सरसाइज करने जाएं या वॉक करने जाएं। देखिए मेरे ख्याल से अगर हम हर चीज के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो अपने लिए टाइम तो निकाल ही सकते हैं। जरूरी, बहुत जरूरी है, हमारे को अंदर मन से ठानना है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, और अपने लिए टाइम निकालेंगे तो इसका मतलब हम परिवार के लिए टाइम निकाल रहे हैं। और अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी वॉक, थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी खुशी हमने अपनी जिंदगी में शामिल कर ली अपने लिए, तो सिर्फ गर्भाशय का कैंसर नहीं, किसी भी बीमारी से हम लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, और फिर हम उसको अपने नजदीक भी नहीं आने देंगे, क्योंकि हेल्दी लाइफ जीने के लिए जरूरी है जिंदगी में कुछ असूल बनाए जाए, कुछ नियम बनाए जाए, हालांकि थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन ये बहुत जरूरी है खासतौर पर महिलाओं के लिए। एक सवाल मैम मेरे मन में यहाँ ये भी है, जो दर्शक हमें देख रही हैं, तमाम उम्र की महिलाएं हमें देख रही होंगी, क्या गर्भाशय के कैंसर की वजह से क्या ये अर्ली एजेस में भी हो जाता है, 20 से 30, ये जो प्रेगनेंसी का टाइम, जो फैमिली प्लान करनी होती है किसी भी महिला को? देखिए नॉर्मली जैसे मैंने बताया ये सारे कैंसर लेडीज के 40 साल की उम्र के बाद ज्यादा होते हैं, लेकिन हाँ अंडेदानी ओवरी का एक कैंसर है जो यंगर एज ग्रुप में भी होता है, ये छोटी लड़कियों को भी हो सकता है, 8-10 साल की उम्र में भी हो सकता है, 20 साल की उम्र में भी हो सकता है, पर ये नॉर्मली अच्छी बात यह है कि इस यंग एज में जो अंडेदानी का कैंसर होता है वो जल्दी पकड़ में आता है और वो ट्रीटमेंट से यानी सिंपल सर्जरी, सिंपल दवाइयों से जल्दी अच्छा असर करता है, जिससे लॉन्ग टर्म में लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। एक दर्शक है गुरमेज हमारे साथ कुरुक्षेत्र से, इनसे भी हम बात करेंगे, बताइए गुरमेज जी। हाँ जी नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम ऐसा है मेरी मिसिज को बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से इन्फेक्टेड सिस्ट बढ़ जाता है मैडम, ये बार बार इन्फेक्शन होने की वजह क्या मैडम, ये पता करना था मैडम। देखिए यूरिन में इन्फेक्शन होने के काफी कारण होते हैं, ऐसा भी होता है कि एक बार इन्फेक्शन हुआ वो ठीक से खत्म नहीं हुआ और दोबारा आ गया, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रॉपर यूरिन का टेस्ट कराया जाए, यूरिन कल्चर कराया जाए और उसकी रिपोर्ट के हिसाब से जितनी जरूरत है 10-15 दिन की दवाई ली जाए। दूसरी बात है कई बार सिंपल चीज होता है कि पेशाब की थैली में या किडनी में ब्लैडर में स्टोन होता है, पथरी हो सकती है, जिसकी वजह से बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए टेस्ट कराया जाए, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से पथरी के बारे में पता लग जाता है, और दूसरा फिर ये गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के लोकल चेकअप करा सके कि वहाँ नीचे कहीं और बच्चेदानी के आसपास कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जी हाँ जी। चलिए चलिए गुरमेश जी शुक्रिया, और अब क्योंकि मैम वक्त हो चला है आपको भी शुक्रिया कहने का, आज कार्यक्रम में हमारे पास बस इतना ही समय है, लेकिन मैं सभी दर्शकों से ये फिर से कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मैम की बात सुनी है और ये समझने की थोड़ी सी भी कोशिश की है कि किसी भी बीमारी को हम तभी न्योता देते हैं जब अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं, ऐसे में गर्भाशय के कैंसर से जुड़े जितने भी सवाल आपने पूछे सभी का जवाब डॉक्टर भाटिया ने दिया, उम्मीद करते हैं कि ये आपके काम आएगा। और एक जरूरी बात जो अक्सर मैं कहती हूँ, किसी भी बीमारी को आप बहुत लाइटली मत लीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, बहुत जरूरी है ये, और आप अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखिए क्योंकि जिंदगी तभी है जब वो स्वस्थ है। शुक्रिया डॉक्टर भाटिया इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो निराम्या एक ऐसा कार्यक्रम हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं जहां हम आपकी सेहत से जुड़ी बात करते हैं, आज हमने बहुत अच्छी बात आपसे की, उम्मीद करते हैं कार्यक्रम हमें आपको पसंद आया होगा, आप हमें हमारे वाला कार्यक्रम, हम फिर हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ, एक नए मुद्दे के साथ।
आपकी सेहत पर बात करने के लिए। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए, आज के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होके उसे अंदर से निखार देती है ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी मॉइस्चराइज। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।